Hello students, welcome back to Singhi School of Excellence. In this video, we are going to learn depreciation from the very basic concepts till the end and we'll be covering all the aspects. So watch all the parts, all the questions very carefully. So let's start depreciation. देखो, what is depreciation? पहले समझो depreciation होता क्या है. जब assets का value कम होता है तो मान लो एक एसेट मैंने 1 लाख रुपए में एक मशीन खरीदी और धीरे 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 उस मशीन का वैल्यू ऑब्वियस सा बात है आप जितना फिजिकल यूज करोगे तो उतना डेटोरिएट होगा तो धीरे धीरे मशीन की वैल्यू जो कम होती है तो उस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. जितना वैल्यू घट गया उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो आज मान लो मशीन मैंने खरीदा 1 लाख में और उसका वैल्यू 3 साल के बाद सपोज 70,000 हो जाएगा. तो मैंने अगर आज खरीदा 1 लाख में और उसका वैल्यू अगर 3 साल बाद 70,000 हो जाएगा तो आई कैन से कि हाँ यार 30,000 का डेप्रिसिएशन हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 लाख का मशीन खरीदा और उसको यूज करते करते उसका वैल्यू 70,000 हो गया तो जितना वैल्यू कम हुआ डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर इस चैप्टर में हमको समझना क्या और कैसे सम्स करना है तो लेट्स डिस्कस. देखो डेप्रिसिएशन जो है ना वो देने का दो तरीका होता है. देर आर टू मेथड्स ऑफ गिविंग डेप्रिसिएशन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड ये मेथड क्या होता है इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे सब कुछ. मैंने बोर्ड पे नाम लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड. इसी मेथड का एक नाम और है That is original cost method. I repeat, original cost method. Original cost method. Clear? और एक नाम और भी है That is fixed installment method. Fixed installment method. तो मैं लिख देता हूं यहां पे There is another name that is fixed installment method. तो ये तीन नाम है जो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. क्लियर? चलो सर ये मेथड होता क्या है एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ठीक है फिर दूसरे मेथड की बात करेंगे. देखो आई कैन टेक एन एग्जांपल. मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख में. ये मेरा है कॉस्ट ऑफ द मशीन. दिस इज द कॉस्ट ऑफ मशीन. और अभी आप लोग को पता है कि हमेशा जिंदगी भर इसका वैल्यू 1 लाख रुपया तो नहीं रहने वाला है. इसका वैल्यू धीरे 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 यस कम होगा. तो अगर मान लो मैं हर साल इसकी वैल्यू 10,000 से कम करता हूं तो इसकी वैल्यू 1 साल बाद बचेगी कितनी? 90,000. क्योंकि ये जो 10,000 है वो मैंने 1 साल के बाद इसकी वैल्यू को कम कर दिया और इसी 10,000 को अपन क्या बोलेंगे 1 साल का डेप्रिसिएशन. और ये डेप्रिसिएशन वापस अगले साल फिर लगने वाला है क्योंकि हर साल मशीन यूज होगा. तो अगले साल वापस से मैं इसकी वैल्यू को सपोज वापस से 10,000 से कम कर रहा हूं तो 2 साल के बाद जो इस मशीन की वैल्यू बच रही है वो बच रही है 80,000. तो अगले साल का डेप्रिसिएशन भी मैंने कितना दिया 10,000. तो यानी हर साल अगर डेप्रिसिएशन सेम होता है डेप्रिसिएशन सेम होता है तो उस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड. एवरी ईयर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम इट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड ऑन द 1 लाख. ठीक है 1 लाख पे मैंने डिप्रेशन निकाला है. आप चेक कर सकते हो 1 लाख का 10% मैंने अज्यूम किया है कि हर साल मशीन का वैल्यू 10% कम हो रहा है. अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे 1 लाख का 10% तो 1 लाख का 10% आता है 10,000. फिर अगले साल वापस वैल्यू बचा 90,000 लेकिन मैंने स्टार्टिंग के जो दाम है 1 लाख उसी पे 10% दिया है तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर का डिप्रेशन वापस 10,000. इसी तरह अगर मैं थर्ड ईयर का भी करूंगा तो 80,000 जो वैल्यू बचा हुआ है उसके बाद थर्ड ईयर में भी मेरे को माइनस कितना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा अगेन 10,000. तो ये जो मेथड है जिसमें मैं हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ही चार्ज करता हूं
उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 लाख पे ही 10% चार्ज होने वाला है, अज्यूमिंग कि ये मेरा फुल ईयर का 10% है, ठीक है? तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जहां पे आपका अमाउंट जो है वो सेम है। जिस दाम में आपने खरीदा है, कितना में खरीदा है, 1 लाख में, उसी दाम पे आपको हर साल डेप्रिसिएशन देना है, उसी दाम पे आपको हर साल क्या करना है, डेप्रिसिएशन देना है। बट अगर मैं यही दूसरे मेथड का बात करूं, तो दूसरे मेथड का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसका एक नाम और है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका भी एक नाम और है, टोटल 3 नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेरा मेथड 2 है, जिसके भी 3 नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में मान लो मैंने मशीन खरीदा, कॉस्ट है 1 लाख रुपया, मान लो मेरे मशीन का कॉस्ट है 1 लाख रुपया, ठीक है? और पहले साल तो मैं 10% दूंगा इस पे, जो कि आएगा सेम वैल्यू, कितना, 10,000। तो जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा मेरा 90,000, यस और नो? लेकिन अब अगले साल जब मैं डेप्रिसिएशन दूंगा ना, तो वापस इस 1 लाख पे नहीं देने वाला हूं, देन जो वैल्यू बच गया उसपे 10% आई विल गिव डेप्रिसिएशन। मतलब अगले साल डेप्रिसिएशन लगने वाला है 90,000 पे, 90,000 का 10% दैट कम्स टू 9,000। तो इस तरह से जो वैल्यू बच जाती है उस पे डेप्रिसिएशन देते हैं, कौन से मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस। फिर जब वापस थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन दूंगा, तो 81,000 वैल्यू बचा हुआ है, इस पे आई विल गिव 10%, जो कि होगा 8,100। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर जो वैल्यू बचेगा उस पे अगले साल वापस डेप्रिसिएशन लगेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV मेथड में। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, वी ऑल्सो कॉल दिस WDV मेथड। एंड स्ट्रेट लाइन मेथड को अपन बोलते हैं ब्रीफ में SLM मेथड। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अभी अपन ये सब शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने वाले हैं। अगर SLM बोला जा रहा है, आपको ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हर साल जो सेम अमाउंट है उसी पे डिप्रिसिएशन लगने वाला है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में जो वैल्यू कम हो गया उसके बाद उस पे डिप्रिसिएशन लगने वाला है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो अब एक अपन क्या करते हैं, सम्स करते हैं, उसके बाद अपने को समझ में आ जाएगा कैसे ट्रीटमेंट होगा डिप्रिसिएशन का। तो लेट स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई हैव अ सम इन माई स्क्रीन, पहला सम, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। यहां पे डेट है, एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी जिसका डेट है 1 अप्रैल 2019 को, 50,000 में। तो एक्स लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 50,000। और यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सम है जिसमें बोला गया प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अपन को कौन सा मेथड यूज करना है सम्स में, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हर साल जिसमें डेप्रिसिएशन फिक्स होने वाला है। तो आइए इस सम्स को करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स है। अगर आपके पास ये सम नहीं है तो आप काइंडली काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फोन में, और उसके बाद आप सम्स बनाना मेरे साथ स्टार्ट करो, ठीक है? तो 1 अप्रैल 19 को मशीन खरीदा, और हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ईयर है वो मेरा स्टार्टिंग हो रहा है अप्रैल में, और ऑब्वियस सा बात है खत्म होगा मार्च में, यानी अपना फिनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है। फिनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल में स्टार्ट और मार्च में खत्म।
लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बोले कि कैलेंडर ईयर, अगर क्वेश्चन में कभी बोले कि कैलेंडर ईयर, अगर क्वेश्चन में कभी बोले कि कैलेंडर ईयर, तो फिर वो जनवरी में स्टार्ट होगा और दिसंबर में खत्म होगा। बट अभी के लिए कुछ नहीं बोला तो आई एम अज्यूमिंग कि अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म होगा। तो अगर अप्रैल में स्टार्ट होगा तो आप एक चीज नोटिस करो, जो खरीदने का डेट है दैट इज 1 अप्रैल 2019, यानी साल के स्टार्टिंग में ही, पहले दिन में ही एक्स लिमिटेड ने मशीन खरीद ली। द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। जब ये चैप्टर कर रहे हो तो डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो डेट्स को लेके, ठीक है? तो चलो, एक्स लिमिटेड एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2019 को 50,000 में, और हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। तो कैसे करना है आओ मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला है 10% पर एनम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला है 10% पर एनम, ठीक है? तो चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, और लेजर का नाम है मशीनरी अकाउंट, लेजर का नाम है मशीनरी अकाउंट, क्लियर? एंड वी विल प्रिपेयर द कॉलम ऑफ डिटेल्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ डिटेल, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है? लेजर फोलियो, आई मीन जर्नल फोलियो, इट्स अप टू यू, एज सच कोई काम नहीं आता, बट स्टिल आई एम मेकिंग इन द फॉर्मेट जर्नल फोलियो, ठीक है ना? चलो, और इधर भी सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, क्लियर? सो लेट मी राइट दिस फटाफट। डेट, पर्टिकुलर्स, क्या हुआ वीडियो पर आपको जो जो बोला गया वहीं से ले लो। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, एंड वी विल राइट एट द टॉप मशीनरी अकाउंट, एंड उसके भी ऊपर लिखना पड़ेगा किसके बुक्स में बना रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, डोंट मिस राइटिंग डेबिट क्रेडिट एंड ऑल, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ्स, सो दीज आर मैंडेटरी। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में लिखा है मशीन खरीदा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है भाई? उसकी जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट, यस और नो? मैं रफ में दिखा रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट जनरली कैश को करते हैं, बट इस चैप्टर में अपन अज्यूम करेंगे सारे ट्रांजेक्शन जो है वो चेक से होते हैं, तो इसीलिए मशीनरी टू बैंक ये जर्नल होता है। तो अगर मशीनरी टू बैंक जर्नल होता है, तो ऑब्वियस सा बात है मशीनरी के लेजर में वी विल राइट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। एंड व्हाट वाज द डेट? द डेट वाज 1 अप्रैल 2019, द डेट वाज 1 अप्रैल 2019, क्लियर? व्हाट वाज द अमाउंट? द अमाउंट वाज 50,000 रुपीज, 50,000, ठीक है? तो
मशीन खरीदा, ये मशीन खरीदने की एंट्री है। मशीनरी के लेजर में अपन डाल दिए टू बैंक अकाउंट 50,000, और इस समय से बोला है कि और कुछ नहीं करना है, मशीनरी अकाउंट बनाओ 3 साल का, ये अज्यूम करते हुए कि हर साल मशीन का वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अगर मशीन आपने 1 अप्रैल को ही खरीद ली, मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाता हूँ, ये मेरा अप्रैल से साल स्टार्ट होता है और मेरा साल मार्च में खत्म होता है, और आपने तो साल के पहले दिन ही मशीन खरीद ली, यस और नो? जी हाँ, आपने 1 अप्रैल को मशीन खरीद ली, तो इसका मतलब अगर आप 1 अप्रैल को मशीन खरीदते हो तो इसका मतलब आप वो मशीन को पूरे साल यूज कर रहे हो। आपने अप्रैल से लेके मार्च तक, पूरे मार्च तक उस मशीन को यूज किया, मतलब आपने पूरे 12 मंथ्स, पूरे 1 साल उस मशीन को यूज किया है। तो अगर आप पूरे साल भर यूज करते हो तो उस साल उसका वैल्यू घट जाएगा। कितना से घटेगा? इंटू 10%। यस, पूरे साल का था इसलिए इंटू 10% पूरा कर दिया हमने, जो कि आ रहा है 5,000। ये 5,000 हमारा डेप्रिसिएशन है पहले साल का। 50,000 पे 10% मशीन का वैल्यू घट गया, क्योंकि मशीन को आपने पूरे साल भर यूज किया। सर आपने इतना डिटेल में क्यों बताया? बिकॉज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लो इस सम्स में ऐसा बोलता कि 1 अप्रैल को नहीं खरीद के वो मशीन को खरीदता 1 जुलाई में, तो क्या करते? यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 जुलाई में खरीदा तो उसने अप्रैल में, जून में तो मशीन यूज ही नहीं किया, क्योंकि मशीन खरीदा गया है जुलाई में, तो उसने मशीन यूज किया होगा जुलाई से लेके उसने यूज किया होगा कहाँ तक? मार्च तक। तो इसका मतलब उसने पूरे 12 महीने यूज नहीं किया, क्योंकि मशीन अप्रैल में नहीं था, मई में भी नहीं था और जून में भी नहीं था। तो इसका मतलब उसके पास मशीन था जुलाई से लेके अप टू कहाँ तक? मार्च तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मशीन शुरुआत से नहीं था तो चेक करना पड़ेगा कितना महीना उसने मशीन यूज किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस एग्जाम्पल में तो अपन ने ये माना है कि चलो अप्रैल में था, बट अगर मैं बोल रहा हूँ अप्रैल में नहीं होके अगर जुलाई में खरीदा होता, तो एक बार चेक करो कितने मंथ्स हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 तो यहाँ पे हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 + 4 9 मंथ्स। तो अगर वो अप्रैल में नहीं खरीद के जुलाई में खरीदता, तो यानी उस पर्टिकुलर ईयर में वो 12 महीना यूज नहीं कर पाता, तब वो ओनली 9 मंथ्स यूज कर पाता। तो उस केस में अगर वैसा होता, तो उस केस में हम लोग जो डेप्रिसिएशन देते ना, वो 50,000 पे 10% इनटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा करना पड़ता 9/12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 9 महीने का हम लोग को डिप्रिसिएशन देना पड़ता, तो जो कि आ जाता 50,000 × 10% × 9/12, दैट कम्स टू 3,750। तो ये मेरा पहला साल का डिप्रिसिएशन हो जाता, हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी यही अज्यूम किया था उसने अप्रैल में खरीदा है, और मैंने ये समझाया कि अगर वो अप्रैल में ना खरीद के अगर बीच में खरीदता, जुलाई में खरीदता, तो कैसे डिप्रिसिएशन लगता। आई होप थिंग्स आर क्लियर। बट अभी के लिए हम लोग को ये नहीं जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने यही अज्यूम किया है कि उसने मशीन को अप्रैल में ही खरीदा है, जुलाई में नहीं खरीदा है, इसलिए हम लोगों को अप्रैल पे सीधा 10% फ्लैट दे देना है। 50,000 × 10% तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 5,000। क्लियर? तो अब जो लेजर बनाया है उसमें उसकी पोस्टिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी, और डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगता है। तो मेरा साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 और खत्म होगा 31/3/2020। और जर्नल एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, अगर आप लोगों को पता हो तो, जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, यहां पे लिखता हूं मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि जब आप डेप्रिशिएट करते हो तो मशीन का वैल्यू कम होता है, डेप्रिसिएशन में कोई कैश का लेन देन तो होता नहीं है, वो तो बस एसेट का वैल्यू कम होता है। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम, क्योंकि उसमें कोई कैश का लेन देन नहीं होता है, और डेप्रिसिएशन बीइंग योर एक लॉस, तो इट इज डेबिटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो अगर मशीनरी का लेजर बनाएंगे तो मशीनरी के लेजर में वी विल राइट इट एज बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन।
डेप्रिशिएशन एंड अमाउंट इज 5000, क्लियर। एंड अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, 1 अप्रैल 19 में खरीदा था और ये जो डेट है डेट इज 31 मार्च 2020, क्लियर। 31 मार्च 2020 हमेशा साल के एंड में, हमेशा साल के एंड में डेप्रिसिएशन देना पड़ता है। और अब इस साल कुछ और हुआ नहीं क्योंकि यही अपने को 3 साल तक बनाना है, तो 1 साल का हम लोगों को लेजर क्लोज करना पड़ेगा और सेम डेट पे 31/3/20 को हम लोगों को करना पड़ेगा बीडी और सीडी। तो देखो डेबिट में मेरे पास है 50,000 और क्रेडिट में है ओनली 5,000, तो डिफरेंस ऑब्वियस सा बात है क्रेडिट साइड में बच रहा है। तो वी विल राइट हियर बाई बैलेंस सीडी, वी विल राइट बाई बैलेंस सीडी एंड अमाउंट इज ₹45,000, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट इज 45,000, क्लियर। एंड अब अपन दोनों साइड का टोटल कर सकते हैं, इधर भी 50,000 और इधर भी 50,000, क्लियर। और अब हर सीडी के बाद बीडी करना पड़ता है, तो हम लोगों का सीडी का डेट था 31 मार्च 2020, तो हमारी बीडी का डेट होगा 1 अप्रैल 2020, अगले दिन जो सीडी किया उसके अगले दिन बीडी। 31 मार्च को सीडी हुआ तो 1 अप्रैल को बीडी होगा, और बीडी है जितना सीडी हुआ, सीडी हुआ था 45,000 तो बीडी भी होगा 45,000। सो आई एम राइटिंग टू बैलेंस बीडी 45,000, क्लियर। अब ये तो मेरा हुआ 1 साल का काम। इसी तरह हम लोगों को क्वेश्चन ने कहा था प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, अगर आपके पास याद नहीं आपको तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखो लिखा हुआ है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, यस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी फॉर 3 इयर्स। तो चलो 1 साल हुआ है, अब दूसरे साल और कोई मशीन तो खरीदा नहीं उसने, कुछ था नहीं सवाल में, तो बस हम लोगों को 2 साल और खाली डेप्रिसिएशन देना है। सर क्यों डेप्रिसिएशन देना है? अरे भाई मशीन का वैल्यू तो हर साल कम होगा, आपने पहले साल यूज किया उसके बाद क्या फेंका है मशीन, बेचा है? नहीं ना, मशीन तो पड़ा है, तो इसका मतलब वापस सेकेंड ईयर भी उसका वैल्यू कम होगा। जब तक मशीन ना बेचे उसका वैल्यू कम होता रहेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर सेकेंड ईयर वापस से डेप्रिसिएशन देंगे और डेप्रिसिएशन का डेट ध्यान से, साल स्टार्ट हुआ इस बार 1 अप्रैल 20 को, तो सेकेंड ईयर मेरा खत्म होने वाला है 31 मार्च 2021 बाई डेप्रिसिएशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोगों को पूरा लिखना होगा, बाई डेप्रिसिएशन। और सर डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो अमाउंट रहता है वो हर साल सेम रहता है, वो एकदम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है जो कि 50,000 था पिछले साल, 5,000, तो इस साल भी बिल्कुल 5,000 लगने वाला है डेप्रिसिएशन, क्लियर। और फिर वापस से साल को खत्म करना है तो सीडी बीडी 31 मार्च 2000 अगेन 21 साल का लास्ट डे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी हाउ मच? दैट इज 40,000, क्लियर। एंड विद दिस वी हैव डन सेकेंड ईयर, एंड अगेन हर सीडी के बाद वापस बीडी करना पड़ेगा, तो बीडी का जो डेट होगा 1/4/21 होने वाला है, 1/4/21 बीडी विल बी 1/4/21, क्लियर, बीडी विल बी 1/4/21। चलो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 40,000, और 1 साल का और शो करना था, तो चलो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं एक बार पीछे नेक्स्ट पेज में टी फॉर्म में ले लेता हूँ। 1/4/21 तक हो चुका है 40,000, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार इसको टी फॉर्म में ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलो तो 1/4/21 को मैं वापस लिख देता हूँ, टू बैलेंस बीडी कितना था? टू बैलेंस बीडी 40,000 था ना, और अब 1 साल और शो करना होगा क्योंकि 3 साल बोला है,
तो वापस से 31 मार्च 2022 को बाई डेप्रिसिएशन, और अमाउंट वापस से सेम रहने वाला है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5000, और वापस से सेम डे सीडी 31 मार्च 2022 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 35000, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड थर्ड ईयर आल्सो, इधर भी 40000 और इधर भी 40000, क्लियर? और इधर का टोटल भी ऑब्वियस बात आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप टोटल लिख लेना, यहाँ पे 45000 और यहाँ पे भी 45000, यहाँ पे भी 45000। चलो, और अब सीडी तीसरे साल का जो हो गया, तो तीसरे साल का अपने को बीडी भी करना होगा वहां पे। चलो तीसरे साल का बीडी कर दो फटाफट, 1422, क्योंकि हमारा साल यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे तो खत्म हुआ था 31 मार्च 2022, तो 1422 को टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 35000, क्लियर? जितना सीडी किया ना ऊपर, यहाँ पे जितना सीडी किया उतना ही आप बीडी भी कर दोगे, क्लियर? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर वन कि एक बेसिक मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों के लेवल अभी बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में अभी सिर्फ एक मशीन था। इसी तरह साल के बीच में और मशीन खरीदेगा तो डेप्रिसिएशन और ज्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है कोई मशीन खरीदा और कोई मशीन बेच दिया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी। बट डोंट वरी, आई विल बी टीचिंग वेरी स्मूथली एंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। चलो, सो एक बार क्वेश्चन नंबर टू अपन फटाफट गो थ्रू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टू, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1/7/2019। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी जो कि उसने 1 जुलाई को खरीदी है, जुलाई को खरीदी है, और इस सम्स के लिए भी हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि आवर फाइनेंशियल ईयर इज बीइंग फॉलोड। तो हमारा साल स्टार्ट होगा अप्रैल पे और खत्म होगा मार्च में, बट उसने मशीन 1 जुलाई को खरीदी है। डियर स्टूडेंट्स, 1 जुलाई को, ध्यान रखना। तो यानी पूरे साल का डिप्रिसिएशन तो नहीं लगने वाला है पहले साल, क्योंकि पहले साल उसने मशीन को अप्रैल, मई और जून में यूज नहीं किया, उसने यूज किया जुलाई से, और मशीन का दाम है 60000। उसके बाद लिखा हुआ है, इट अगेन इनकर्ड ₹10,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीन को इंस्टॉल करना था तो उसके लिए कुछ चार्जेस और एक्स्ट्रा लगे जो कि 10,000 लगे। तब क्या करोगे? देखो, मशीन के समय, मशीन जब आप खरीद रहे हो उस समय कोई डिलीवरी का खर्चा, कोई कैरेज का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो खर्चे सारे के सारे मशीन के वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, मशीन में कैपिटलाइज हो जाएंगे। दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक ही बार लगता है और उसके बिना मशीन का कोई यूज नहीं है। जब तक वो नहीं लगाओगे तब तक मशीन यूज नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इन खर्चों को मशीन में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब आप ये समझो कि आपकी मशीन 60,000 की नहीं है, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा 10,000 और लगा है। तो यानी आपकी जो पहली मशीन है जो कि खरीदी गई है 1 जुलाई को, डेट इज ऑफ ₹60 + 10, दैट अमाउंट्स टू ₹70,000। तो हम लोग पूरे सम्स को यही समझेंगे कि मशीन 60 की नहीं होके 70,000 की है, क्लियर? उसके बाद इट अगेन परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020। उसने एक मशीन और खरीद ली 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020, मतलब नेक्स्ट ईयर के पहले दिन, क्योंकि ये साल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो 1 जुलाई 2019 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उस साल उसने पहली मशीन खरीदी तो वो पक्का 9 महीना चला होगा, क्योंकि उसके बाद 31 मार्च को साल खत्म हो गया होगा 2020 में, यस और नो? तो पहली मशीन उसने 9 महीना यूज की होगी, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। उसके बाद अगले साल, क्योंकि हमारा साल तो मार्च में खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल को पहले दिन ही 1 अप्रैल 2020 को उसने एक मशीन और खरीद ली,
जो कि है 40,000 की। तो एक चीज समझो, मैं जब पहले साल का डिप्रिशिएशन दूंगा, पहले साल का डिप्रिशिएशन यानी 1 जुलाई 19 वाला, उस साल तो केवल एक मशीन पे लगेगा, और वो भी पूरे साल का नहीं लगेगा, वो भी पूरे साल का नहीं लगेगा, वो भी 9 महीने का लगेगा। और जब सेकेंड ईयर का दूंगा, सेकेंड ईयर का दूंगा तो पहली वाली मशीन पे भी लगेगा, क्योंकि वो भी पड़ी होगी, और नई वाली 40,000 में भी जो खरीदा है वो भी मशीन होगा। समझ रहे हो? क्योंकि आप जितनी मशीन खरीदते जाओगे तो आपको डिप्रेशन और ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पहली मशीन भी तो पड़ी है, तो नई मशीन पे तो देना ही है, बट साथ साथ पुरानी मशीन को भूल मत जाना, क्योंकि उनपे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सर पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन जब दोगे तो 9 महीना के लिए दोगे, पहले साल के लिए, और किस वैल्यू पे दोगे? 70,000 पे दोगे, ठीक है? और उसके सेकेंड ईयर से आपको पहली मशीन पे भी देना है और दूसरे मशीन पे भी देना है। क्लियर? तो चलो लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। और इसमें भी अप्रैल टू मार्च ही फॉलो कर रहे हैं, और 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपन ने 10% ही रखा है, ठीक है? चलो लेट स्टार्ट सॉल्विंग, प्रिपेयर अ फॉर्मेट फटाफट, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लो फटाफट, ठीक है? जल्दी जल्दी चलो। मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम फॉर्मेट बना लो भाई। चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड और मशीनरी अकाउंट, मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग पूरा लिखना। मशीनरी अकाउंट क्लियर, चलो डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। डेबिट क्रेडिट एंड डेट पर्टिकुलर्स, लेजर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, फटाफट फटाफट करो चलो। डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ था वो इस बार हुआ था 1 जुलाई को, तो आई एम गोइंग टू राइट 1 जुलाई 2019, ठीक है? 1 जुलाई 2019, टू बैंक कितने में खरीदा था? मैंने बोला था मशीन का दाम के साथ साथ इंस्टॉलेशन चार्ज भी ऐड हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट आप 60,000 मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन चार्ज भी ऐड हो जाएगा, और इंस्टॉलेशन चार्जेस था 70,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस था 70,000, क्लियर? तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70,000, आई एम राइटिंग इट 70,000। 60,000 मशीन का खर्चा और 10,000 उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, क्लियर? और अब सुनना मेरा बात ध्यान से, इस साल हम लोगों को पूरा 70,000 पे अगर 10% देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर 70,000 पे 10% देंगे तो वो गलत हो जाएगा। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि
ये जो 7,000 आएगा ये तो पूरे साल का आ जाएगा ना, तो वो नहीं करना है, क्योंकि आपने मशीन को अप्रैल में नहीं खरीदा है, आपने खरीदा है जुलाई में, तो इसलिए आपको जुलाई से लेके ईयर एंड तक जाना है। ईयर एंड मार्च है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आपको पहले साल का जो डेप्रिसिएशन देना है वो 70,000 पे 10% बट इंटू 9/12 करना होगा, क्योंकि आपने मशीन अप्रैल में नहीं खरीदा, आपने मशीन खरीदा जुलाई में, तो 70,000 इंटू 10% इंटू 9/12 दैट कम्स टू 5,250। और साल खत्म होगा मेरा 31 मार्च को ही, मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 2020 बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन 5,250। क्लियर सर? क्या इस साल कुछ और हुआ? हुआ तो था मगर इस साल नहीं हुआ, क्योंकि जो हुआ वो अगले साल हुआ, 31 मार्च गुजर जाने के बाद हुआ, जो कि 1 अप्रैल को हुआ। अगर कोई और मशीन खरीदता तो अपन को इसी में लिखना पड़ता है यहाँ पे टू बैंक करके, बट नहीं, इस साल कुछ अभी और नहीं खरीदा उसने, अगले साल खरीदा, तो इसलिए हम लोगों ने बस डेप्रिसिएशन दिया। और अब हम लोग को करना है बाई बैलेंस सी डी, तो जो कि होगा सेम डेट पे 31 मार्च 2020 बाई बैलेंस सी डी। कितना आ रहा है सी डी कैलकुलेट करो। चलो 70,000 में 5,250 चला जाएगा, 70,000 में 5,250 चला जाएगा, तो कितना बचेगा बाई बैलेंस सीडी हम लोग का? बचेगा 6,475,000। क्लियर? 6,475,000, तो ये मेरा हो गया बाई बैलेंस सीडी, और दोनों तरफ का टोटल आ गया 70,000 एंड 70,000। क्लियर? और उसके बाद 31 मार्च 2020 के अगले दिन यहाँ पर करना होगा बाई टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और बीडी भी जितना सीडी किया दैट इज 6,475,000। क्लियर सर? अब हम 1 अप्रैल 2020 वाले साल में घुस गए, और इस साल क्या हुआ, एक नया चीज और हुआ कि उसने एक मशीन और खरीद ली। जी हाँ, अगर आप देखोगे सम्स तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसने एक मशीन और खरीद ली जो कि 40,000 की थी। यू कैन लुक एट योर ईयर, 1 अप्रैल 2020 को 40,000 की मशीन और खरीद ली, तो ये इसी साल हुआ है ना, तो इसको क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2020 को 40,000 में जो मशीन खरीदी उसने, तो वी विल राइट अगेन टू बैंक, 1 अप्रैल 2020 को वापस खरीदा तो टू बैंक, जब जब मशीन खरीदेगा टू बैंक, ठीक है, टू बैंक 40,000। क्लियर? और अब क्या करना है, अब और कुछ है नहीं सम्स में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन ने बोला है 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो ध्यान से अब हम लोग को इस साल के एंड में वापस से क्या देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, जो कि होगा 31 मार्च 2021। आई एम राइटिंग बाई डेप्रिसिएशन, आई एम राइटिंग बाई डेप्रिसिएशन, बट अब इस बार कितना डेप्रिसिएशन देना है सोच लो, क्योंकि इस बार मेरे पास एक मशीन नहीं है, दो मशीन है, एक तो पुरानी वाली मशीन और एक नई वाली मशीन। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड, आप अपने मन में सोचो कितना आंसर आना चाहिए इस साल का डेप्रिसिएशन का, और अगर आपका सही आ रहा है तो मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो टेक योर टाइम 30 सेकेंड एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। रेडी विथ योर आंसर्स? चलो लेट्स सी। देखो इस साल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस साल मेरे पास दो मशीन है, एक मशीन वन है, सपोज M1 मैं नाम देता हूँ M1,
जिसका वैल्यू था 70,000, और एक मशीन टू था जो कि नई नई खरीदी है उसने, जो कि 40,000 में खरीदी है। बट मेरा सवाल है, इस पे कितना परसेंट और इस पे कितना परसेंट? देखो, जो M1 खरीदा है ना, मैंने माना कि उसने पिछले साल उसको केवल 9 महीना यूज किया, क्योंकि पिछले साल उसने जुलाई में खरीदा, पिछले साल जुलाई में खरीदा। बट सो व्हाट, इस साल तो उसने पूरा यूज किया, पिछले साल के लिए 9 महीना, बट इस साल तो उसके पास शुरुआत से ही था। इस साल M1 शुरुआत से लेके एंड तक था सेकेंड ईयर में, और वैसे ही थर्ड ईयर में भी रहेगा। तो बट ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में आपने भले ही 9 महीने के लिए दिया है, बट सेकेंड ईयर में इस पे फुल डेप्रिसिएशन लगने वाला है, बिकॉज आपने इसको पूरे साल होल्ड रखा। तो इसीलिए इस पे 70,000 पे फ्लैट 10%, जो कि आने वाला है 7,000 रुपीज। पिछले साल 9 महीना किया, बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल वाजिब था, बिकॉज उसने जुलाई में खरीदा, बट इस साल उसके पास शुरुआत से ही मशीन थी, इसीलिए फ्लैट 10%। और अब M2 में डेप्रिसिएशन देने के लिए आपको डेट चेक करना पड़ेगा, हमेशा डेट चेक करो नई मशीन का। क्वेश्चन ने कहा इसने 1 अप्रैल को ही खरीद लिया इस बार, तो अगर 1 अप्रैल खरीद लिया, मतलब साल के स्टार्टिंग में ही खरीद लिया। अगर ये जुलाई अगस्त सितंबर में होता तो हमको अकॉर्डिंगली मंथ्स के कैलकुलेट करने पड़ते, बट नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, बोला सेकंड मशीन उसने अप्रैल में ही खरीदा, साल के बिगिनिंग में ही। तो अगर साल के बिगिनिंग में ही खरीदा तो कुछ नहीं करना है, बस × 10%, जो कि आ जाएगा 4,000। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन इसका 7,000 और इसका 4,000, जो कि होता है 11,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर इधर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 7,000 प्लस 4,000, और इसका टोटल मैं अमाउंट कॉलम में एक बार लिख देता हूँ, दैट इज 11,000। क्लियर? और अब इस साल का वापस से सीडी करना पड़ेगा। तो सर सीडी करने के लिए डेट तो वही रहेगा, 31 मार्च 2021, बाई बैलेंस सीडी, और सीडी निकालने के लिए 64750 डेबिट में प्लस 4,000, ये दोनों आइटम मैं टिक मार देता हूँ, ये और ये, उसमें से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन 11,000, तो जो कि आ रहा है 57750, और फिर दोनों साइड का टोटल होने वाला है सेम, जो कि है 68750। क्लियर? 68750 डन। और अब सीडी के बाद वी विल राइट बीडी, तो मैं आगे का टी फॉर्म में ले लेता हूं, 1 अप्रैल 2021 का बीडी, 2 बैलेंस बीडी, डेट लिख देते हैं, 1 अप्रैल 2021, 2 बैलेंस बीडी। वट वॉज माई सी डी? लेट मी चेक, माई सी डी वॉज 57750। यस, 57750। क्लियर? और अब एक साल का और, बिकॉज हम लोगों ने 2 साल का बना लिया है, तो एक साल का और अब हम लोग थर्ड ईयर में आ चुके हैं, और अब लॉजिकली सोचो, थर्ड ईयर में भी मेरे पास वही 2 मशीन है, मशीन 1 जो कि 70,000 की थी, और मशीन 2 जो कि 40,000 की थी। तो ये दोनों मशीन पे मेरे को वापस से क्या देना पड़ेगा? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन 70,000 पे कितने साल का, फुल ईयर का या 9 मंथ्स का? फुल ईयर का, बिकॉज जब खरीदा था ना फर्स्ट ईयर, बस उसी समय 9 महीने का, बट इसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो पूरा यूज कर रहा है, तो सेकेंड ईयर के लिए भी फुल और थर्ड ईयर के लिए भी फुल। और 40,000 वाली मशीन पे भी इस साल उसने पूरा यूज किया, तो इसीलिए उस पे भी फुल ईयर का। ठीक है, जो मशीन आप जिस साल खरीद रहे हो ना, बस उस साल देख लो कि कितना यूज किया है, क्योंकि अगर आप उसको अगले साल लेके जा रहे हो और अगले साल आपने उसको बेचा नहीं है, तो ये क्वाइट इम्प्लाइड चीज है कि आप उसको पूरे साल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो सर 31 मार्च 2022 को वो घड़ी आ गई जब हम लोगों को देना है डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन विल बी सेम, 7,000 प्लस 4,000, दैट इज 11,000, एंड आफ्टर दैट आई विल राइट सीडी, एंड देन विल क्लोज विद बीडी। सो व्हाट इज माय बाय बैलेंस सीडी?
चेक इट डाउन। बाय बैलेंस शीट 57750 माइनस 11000 दैट कम्स टू 46750 एंड आफ्टर दैट विल क्लोज द बोथ साइड्स बाय डूइंग द सेम टोटल दैट इज 57750 एंड 57750 क्लियर। एंड इसके बाद लास्ट में वापस आप कर देना बीडी 1 अप्रैल 22 को, यहां पर टू बैलेंस बीडी आफ्टर टोटल टू बैलेंस बीडी डेट विल बी 46750, जितना सीडी उतना बीडी, जितना सीडी उतना बीडी, ठीक है। सो आई होप ये दोनों सम्स में आपको एक बेसिक क्लैरिटी पता चल गया होगा कि कैसे डिप्रिसिएशन देना है, ठीक है। अब इसके बाद का जो दो और सम्स है वो एक नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो जिसको मैं इसके साथ अभी मर्ज कर दूंगा, बट इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।